आपका बाप भी मार है, साथ लेकर आए हैं, आप अपने बाप पर ईमान के साथ हाथ रखें। आप टीवी पर देख रही हैं, मेरी बहन है, भाई है, आप फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, जिनके पास औलाद नहीं है, पेट पर हाथ रख सकते हैं। अगर आपकी कोई दिल की विश है, दिल पर हाथ रख सकते हैं। कलाम लिखा, मुझसे मांग तो मैं तुझे उमते में रास में दे दूंगा। आप छोटी छोटी चीजें ना सोचा करें, खुदा से बड़ी बड़ी चीजें मांगा करें, क्योंकि वो बड़ा खुदा है, क्रिएटिव है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। सारी वर्शिप का ऑनर, सारे कलाम का ऑनर मैं खुदा तेरे खादम के लिए, तेरी खादमा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, जिन्होंने शेयर किया तेरा कलाम, तेरी खादमा ने ट्रांसलेट किया। मैं दोनों तेरे खादमों के लिए बरकत चाहता हूं, दुआ करता हूं तेरा पाकरू खुदा इनको बरकत दे। पास्टर शौकत क्वायर के लिए, इंतजामिया के लिए, हदिया उठाने वाली टीम के लिए, हदिया काउंट करने वाली टीम के लिए बरकत चाहता हूं। मैं अपने सारे पास्टर्स के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया तेरे खादम की गैर मौजूदगी में, तेरी खादमा की गैर मौजूदगी में। मैं इनके लिए, अपनी टीम के लिए तेरी बरकत, शादमानी, खुशी को रिलीज करता हूं इनके लिए, और दुआ करता हूं कि खुदा ये इसी तरह तेरे खादम के भी वफादार रहे और तेरे भी वफादार रहे। और इसी तरह मैं दुआ करता हूं प्रेयर फेस्टिवल के लिए, जो तेरे खादम पास्टर इमरान फजल ने ऑर्गेनाइज किया है 10 को 10। खुदा देख तेरा पाकरू खुदा वहां पर क्रिएटिव काम करे। मैं तेरी खादमा मैवश को, इमरान को, पास्टर शौकत, इनकी सारी टीम को, पास्टर क्रिस को तेरे खून में छिपा देता हूं। जब वो आए वहां प्रीच करें, जब तेरे खादम वहां पर जाएं वर्शिप करें, और खुदा तेरा रूल को दसने कसरत से इस्तेमाल करे। और मैं दुआ करता हूं कि खुदा इसी तरह अपने अजीजों के लिए, खुदा देख मैं दुआ करता हूं जिनके पास घर नहीं, इनको घर जैसी बरकत दे, तेरा पाकरू खुद घर इनको लेकर दे। और मसीह के नाम में वसायल लेकर आ, पैसे के वसायल, ताकि ये मसीह के नाम में अपना घर खरीद कर तेरी शुक्रगुजारी करें। और तेरी मिन्नत करता हूं जिनके पास जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, इनके बिजनेस को बहाल कर, घर से बरकत लेकर आ, ताकि इनके घरों में बरकत आए, पैसे की बरकत, खुशी की, तरक्की की, सरफराजी की, ताकि तेरा पाखरू इन पर मेहरबान रहे। और मैं दुआ करता हूं जितने भी इस वक्त खुदाम देख, जिन चीजों ने अपनी बीमारी पर हाथ रखे हैं, मैं कैंसर को बाप बेटे रूह के नाम में कम देता हूं, कैंसर यीशु के नाम में जाता रहे, हेपेटाइटिस यीशु के नाम में जाता रहे, हर तरह की स्टमक की खराबी अभी इसी घड़ी जाती रहे, हर तरह की खुदाम देख काश लानत जो भी इन पर लोगों ने कर्सेस की है, इनके बच्चों पर कर्सेस की है, हर एक कर्श लानत बुरी रूह यीशु के नाम में बुरी रूह हो, इनके बदनों से अपने असर को निकालो, यीशु के नाम में जाती रहो, ताकि इनके बदन यीशु के नाम में शिफा पाए, शिफा पाए, शिफा पाए। और खुदा हर तरह की दर्द को, हर तरह की जॉइंट पेन को यीशु के नाम में रिमूव करता हूं, हर तरह की खुदाम जिनके ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर यीशु के नाम में जाता रहे, गिल्टियों यीशु के नाम में रिमूव हो, हर तरह की गिल्टियों बाप बेटे रूह के नाम में रिमूव हो। इसी तरह दुआ करता हूं तेरा पाखरू खुदाम देख, जो टूटे हुए दिल है, जिनके लोगों को दिलों ने तोड़ा है, खुदाम इनके लिए भी बरकत की दुआ करता हूं, इनके दिलों को हील कर, इनकी इज्जत को किसी को लेट डाउन किया है तो भी खुदाम तू उनकी इज्जत को बहाल कर, बरकत दे। और खुदाम मेरी दुआ है जहां इन्होंने बच्चों पर हाथ रखे हैं, बच्चों की बीमारियों बाप बेटे रूह के नाम में इन बदलों से जाती रहो, हर तरह की बीमारी, टांगों की बीमारी, सर की बीमारी, कमर की बीमारियां, बॉडी के एक ऑर्गन नॉर्मल काम करना शुरू करो अभी और इसी वक्त, अभी इसी वक्त। और खुदा तेरा पाकरू जिनको डॉक्टर ने प्रेशन कहा है,
तेरा हाथ बढ़े इनका रोया में, ख्वाब में, अभी इसी घड़ी प्रेट कर। और दुआ करता हूं जितने आईसीयू में है उनके लिए सलामती मांगता हूं, जितने भी हॉस्पिटल के अंदर सीरियस है उनके लिए सलामती चाहता हूं। और दुआ करता हूं कि खुदा जिनके पास औलाद नहीं इनको औलाद जैसी बरकत दे, ताकि भांज भांज ना रहे, बच्चों वाली बन जाए। और मैं खुदा साजिद मसीह के लिए दुआ करता हूं जिसका ऑपरेशन हुआ है, तेरा पाखरू उसको सलामती दे। इसी तरह मैं दुआ करता हूं उन तमाम मसीह भाइयों को, बहनों को, जिन पर मसीही होने की वजह से खुदा देख तेरे नाम की वजह से उन पर झूठे मुकदमात बनाए गए, हम सारे मिलकर कलीसिया उनके लिए रिलीजन के लिए दुआ करते हैं, दुआ करते हैं तमाम कैदियों के लिए, पतरस मसीह के लिए, दूसरे कैदियों के लिए मैं दुआ करता हूं, ताकि उन बहनों के लिए भी जो मसीह के नाम की वजह से कैद है, पाकिस्तान की जेलों में भाई कैद हैं, मसीह के नाम में खुदा देख कोई लीडर, हम किसी लीडर पर ट्रस्ट नहीं करते, खुदा तू हमारा लीडर है, वी ट्रस्ट इन यू जीसस। तेरे कलाम में लिखा है मुबारक है वो शख्स जो खुदावन पर तवक्कल करता है। और खुदावन तेरे कलाम में लिखा है तूने बनी इसराइल के बेटों की तरफ निगाह की और खुदावन तू उनकी फेवर में आया। देख खुदावन मैं तेरी फेवर को अपनी कौम के लिए क्लेम करता हूं, तेरी मेगा फेवर खुदा मेरी कौम की मदद करे, जो खुदा नामयूस नामीद है उनका मददगार बन। मैं दुआ करता हूं तेरा रूह कुदस पाकिस्तान के मसीहों को इज्जत बरकत तरक्की और शोहरत दे, ताकि ये मसीह अपलिफ्ट हो। और खुदा देख गुर्बत की लानत को और पैसे की बंदिश को आज मैं तेरे बाप बेटे रूह के नाम में इनके घरों से खारिज करता हूं, और बरकत और सलामती तंदुरुस्ती खुशी शादमानी तसल्ली इत्मीनान इनके घरों में लीज करता हूं, ताकि तेरी बरकत मशरक मगरब शुमाल जनूब से खुदाम तेरा रूल को दस लेकर आए, इनको रोया में ख्वाब में कलाम कर। और खुदाम देख तू अपने महबूब को नींद ही में दे देता है तेरा रूल को दस, खुदाम इनको नींद में ही इनको बरकत पर बरकत दे, जब ये सो जाए तेरा पाखरू इनके लिए काम करे, तेरा रूल कुदस इनका मददगार हो, तेरे पाखरू की शील्ड इनके घर के चारों तरफ इनके बदनों के चारों तरफ लगी रहे, ताकि शरारत और शरारत की सारी स्पिरिट्स पर गंदा हो और तेरा रूह इनको खूब कामयाब करे। और मेरी दुआ है आज के बाद ये जिस काम में हाथ डाले इनका हाथ मट्टी को भी सोने की प्राइस में तब्दील करे, मैं खुदाम गोल्ड को, मैं खुदाम इनके लिए डायमंड को क्लेम करता हूं, तू जो डायमंड का बनाने वाला है, तू जो गोल्ड को क्रिएट करने वाला है, तू जो हर एक चीज को कंट्रोल करने वाला है, तू जो मनी को कंट्रोल करने वाला है, खुदाम मैं इनके लिए बरकत इन चीजों को इनके लिए क्लेम करता हूं, ताकि इनके घरों में गोल्ड आए, इनके घरों में डायमंड्स आए, इनके घरों में बरकत आए। और आज के बाद खुदा तेरा आसमान ऊपर से जमीन नीचे से बरकत दे। और खुदा देख जितने भी यहां सीरियस हैं जिनको उठा कर लेकर आए हैं, खुदा इनको उठा खड़ा कर। और खुदा जिनके बच्चे दुख में हैं, तेरा पाखरू इनके बहनों के बच्चों को बहाल करे, इनके बच्चों को रिस्टोर कर, इनकी बेटियों को रिस्टोर कर, इनके खानदानों को रिस्टोर कर, इनकी दुआ को सुन और कबूल कर। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की आर्मी के लिए, पाकिस्तान आर्मी जनरल के लिए, पाकिस्तान के आर्मी के शहदा के लिए भी दुआ करता हूं, जितने भी पाकिस्तान के लिए शहीद हुए उन खानदानों के लिए बरकत चाहता हूं, पाकिस्तान के आर्मी के तमाम सोल्जरों के लिए हम ताकत कुवत को क्लेम करते हैं। और खुदा मेरी दुआ है पाकिस्तान आर्मी के लिए बरकत दे, हुकूमत के लिए दुआ करते हैं,
پاکستان کے اداروں کے لیے برکت چاہتے ہیں اور اسی طرح دعا کرتے ہیں پاکستان کے سارے چرچز کلیسیوں کے لیے برکت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تیرا پاک روح پاکستان کو برکت دے, پاکستان کو عزت دے, پاکستان کو پراسپیرٹی دے, تاکہ پاکستان برکت پائے اور جلال باپ بیٹے روح القدس تجھے ملے. میں اپنے علاقہ کے ایس ایچ او کے لیے برکت چاہتا ہوں, ڈی ایس پی صاحب کے لیے, ایس پی صاحب کے لیے جو سیکیورٹی کی ڈیوٹی کرتے ہیں, خدا ان کے لیے تیری فیور کو لیز کرتا ہوں, ان کی جاب میں پروموشن چاہتا ہوں, اپنی ساری انتظامیہ کے لیے, جتنے بھی پارکنگ میں لوگ کام کرتے ہیں خدا, جتنے بھی خدا سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں, ان بیٹے اور بیٹیوں کو بھی برکت دے. اور دعا کرتا ہوں جتنے نے اپنی مٹھی کو کھولا تو اسمان کو کھول کر انہیں برکت دینا, جو اپنی ہدیوں کو, شکر گزاریوں کو, دائیکیوں کو تیرے گھر میں لے کر آتے ہیں. تیرے کلام میں لکھا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے, تو دیکھ خدا جب انہوں نے تیرے دیے میں سے دیا ہے ان ہدیوں کو قبول کر, تاکہ یہ جہاں بھی استعمال ہوں تیری کلام کی وسعت کے لیے استعمال ہوں. تیرا آسمان اوپر سے ان کو برکت دے, زمین نیچے سے برکت دے, تاکہ یہ بڑھیں اور کبھی پیسہ ختم نہ ہونے پائیں. اور اسی طرح خدا دیکھ جتنی بھی پریئر ریکویسٹ ہمیں بھیجی گئی ہیں, ہم ان ساری پریئر ریکویسٹ کو تیرے آگے اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. جتنے بھی فیس بک پر ہمیں پریئر ریکویسٹ بھیج رہے ہیں, ان ساری پریئر ریکویسٹ کو بھی خدا ہم تو پڑھ اور دیکھ خدا ہم ان کی پریئر ریکویسٹ کے مطابق تیرا پاک ان کی فیور کرے. جو بیمار ہیں ان کو سلامتی دے, بے روزگار ہیں روزگار فراہم کر, قید میں ہیں قید سے رہائی دے. اور تیرا پاک روح جتنے بھی خدا حکومت کے لوگ ہیں ان کو بھی برکت دے, اور تیرا چہرہ